आज हम बनाने जा रहे हैं कैरमल पॉपकॉर्न बॉल्स। बहुत इजी रेसिपी है। कैरमल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए हमें, गुड़ जिसको जैगरी भी बोलते हैं, ये कोई भी राशन की दुकान या ग्रॉसरी से मिल जाएगा हमें, 50 ग्राम चाहिए हमें। उसके साथ 3-4 टेबलस्पून हम लोग को वाटर चाहिए। पॉपकॉर्न बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, मकई एक मुट्ठी भर के ले सकते हो आप, जितना आपको पॉपकॉर्न बनाना है, और तेल लेंगे हम लोग 3-4 टेबलस्पून, नमक लेंगे जितना हिसाब से चाहिए उतना। अब हम बनाने जा रहे हैं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के लिए तेल है जो हम डाल रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कितना टेबलस्पून डालना है, 1, 2, 3 और 4 अराउंड, ठीक है। इसके साथ हम डालेंगे जो मकई ली हूँ मैंने, एक मुट्ठी भर के आप मकई ले सकते हो, और साथ में नमक, नमक हिस्बे ज़रूरत जितना आपको लगता है उतना डाल सकते हो आप। मैं एकदम थोड़ा सा ही डाल रही हूँ बिकॉज मकई थोड़ी है। ये सब डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिए, मिला लीजिए इसको अच्छे से, फिर उसके बाद इसको तेज आंच पे इसको बंद करके सिर्फ इसको ऐसा मैं ढाक कर रख दूंगी, और आपको फटफट की आवाज़ आएगी, मतलब आपका पॉपकॉर्न बन गया है। जब आवाज़ आना बंद हो जाए तब इस गैस को बंद करके आप पॉपकॉर्न को निकाल लीजिए। पॉपकॉर्न रेडी हो गया, इट्स वेरी फ्रेश, आप देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे कैरमल बनाना। कैरमल बनाने के लिए हम लोग को पहले कैरमल बनाने के लिए हमें पहले से 3-4 टेबलस्पून हमें वाटर चाहिए। मैंने 3 टेबलस्पून लिया क्योंकि मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में बना रही हूँ बॉल्स। अभी डाल देंगे हमारा बटर, ये एक्स्ट्रा है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल। बटर मेल्ट होने दो इसको बटर। अभी हमने बटर डाल दिया, बटर मेल्ट हो चुका है। अभी इसमें अभी मैंने गुड़ डाल दी हूँ। पहले मैंने पानी लिया है, मस्का अगर आपको लेना है, बटर लेना है ऑप्शनल है, छोटा सा आधा चम्मच आप मस्का ले सकते हो। उसके साथ मैंने फिर मेरा जो गुड़ है वो मैंने डाल दी उसमें। अभी मैं कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करूंगी जब तक ये पूरा पिघल के इसमें बॉइल्स नहीं आता है, ठीक है। देखिए कैरमल में बबल्स आ रहे हैं अभी थोड़ा और 1 मिनट के लिए मैं इसे रखूंगी और फिर इसमें हम पॉपकॉर्न मिक्स करेंगे। स्लो कर दी मैंने अभी गैस को, ये बस बन गया है। अभी मैं इसमें पॉपकॉर्न डालूंगी, गैस मैंने ऑफ कर दिया है। आप कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करें तो ये जलेगा नहीं। पॉपकॉर्न जो है अब हम लेंगे, कितना कप लेना है वो दिखा देती हूँ मैं आपको, 1, 2, 3 एंड 4 कप। 4 कप मैंने पॉपकॉर्न लिया है और अभी मैं जस्ट फर्स्ट फटाफट इसको स्टर करूंगी, मिक्स करूंगी हमारे पॉपकॉर्न के साथ। कैरमल बहुत हॉट होता है, आपका हाथ जल सकता है, तो आप जो स्टर करोगे प्लीज आप चमचे से ही कीजिए और बिल्कुल हाथ मत लगाइए इसको, कॉन्स्टेंटली आप इसको चलाते रहो ताकि पूरा कैरमल अच्छे से पॉपकॉर्न के ऊपर लग जाए। देखिए बाइंड हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा और देर, थोड़ी देर के लिए रखूंगी मैं, फिर इसके बॉल्स हम बनाएंगे। बॉल्स बनाने से पहले जस्ट चेक कर लीजिए कि कैरमल बहुत ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। अभी ये ऑलमोस्ट बाइंड हो चुका है, अभी मैं जस्ट इसके फटाफट मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी। देखिए हम बॉल्स बना रहे हैं, अभी बॉल शेप में इसको बनाना है, वेरी इजी एंड वेरी टेस्टी। जल्दी जल्दी ये काम कीजिए बिकॉज वो क्या हो जाएगा ना, शेप ले लेगा ऑलमोस्ट। आप लोग देख सकते हैं ये बॉल्स बहुत अच्छे बन गए हैं और इट्स वेरी क्रंची, मैं आपको खाकर बताती हूँ कितना क्रंची है। तो ये हमारे मजे के कैरमल पॉपकॉर्न बॉल्स, आप जरूर ट्राई करें, सबके लिए सब खा सकते हैं इसे, बहुत अच्छा स्नैक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर, चारों चीजें कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।